गुजरात सरकार के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल लोकसभा चुनाव मैदान में बैठे हुए हैं। एक चरण के चुनाव के बाद जायसवाल दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रचार में जुट जाते हैं। पार्टी का पक्ष मजबूत करने के लिए जायसवाल किन मुद्दों को हवा दे रहे हैं, ये जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने उनके साथ पूरा एक दिन बिताया। आधा दर्जन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रदेश सरकार के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल एक बार फिर चुनाव मैदान में सागर में। इस समय आप देख सकते हैं प्रदीप जायसवाल सागर में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और घर घर जाकर वो चुनाव प्रचार इस समय कर रहे हैं। महाकौशल और विंध्य की सीटों पर धुआंधार प्रचार को अंजाम देने के बाद खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने सागर लोकसभा का रुख किया। जमीन से जुड़ाव रखने वाले ये नेता अपने भाषणों में भी जमीनी मुद्दे ही उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायसवाल के निशाने पर हैं। जनता से उनका कहना है कि इस चुनाव में मोदी की लहर नहीं चलना ये बताता है कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और जनता झूठे वादों से नफरत करती है। उमा भारती की लहर भी नहीं चली, शिवराज चौहान की भी लहर नहीं चली और ना ही नरेंद्र मोदी की लहर चली। हमारे क्षेत्र की जनता वास्तविकता पे चलती है, वास्तविकता पे। प्रदीप जायसवाल के भाषणों में देश की सुरक्षा और सर्जिकल स्ट्राइक का भी तड़का है। जायसवाल के मुताबिक जनता देशभक्ति से लेकर बीजेपी का पर्दा जनता के सामने से अब उठ चुका है। विधानसभा चुनाव में बदलाव की शुरुआत कर जनता ने ये साबित कर दिया है। हमने सवाल सेना से कभी नहीं किया, हमने सवाल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले नेताओं से किया कि भैया 400 मार दिए तो हल्ला क्यों नहीं हो रहा पूरे विश्व में, अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है, फ्रांस क्यों नहीं बोल रहा, जापान क्यों नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है, ये देश भेज देंगे वोट पाने के लिए, वोट लेने के लिए। लोकसभा चुनाव के रण में उतरे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का दावा है कि बीजेपी हर मुद्दे पर दिखावा करती है। बीजेपी का ये सच जनता के सामने है, चाहे बात राष्ट्रवाद की हो या विकास से जुड़ी हो। पब्लिक राजनीतिक पार्टियों के इरादे अच्छी तरह से जानती है। सागर शहर के एक कस्बे में जब खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल उतरे तो गर्मी के मौसम में उग रहे इस कस्बे में चुनावी गर्माहट आ गई है। कस्बे में एक हलचल पैदा हो गई और ढोल नगाड़ों ने सोते हुए बुजुर्गों को भी जगा दिया है और मंत्री जायसवाल पार्टी के पक्ष में बयार बहाती नजर आए। प्रदीप जायसवाल जी, अभी तक चुनावी रण में आप कहां कहां प्रचार कर चुके हैं? जी मैं सिवनी, बालाघाट, हमारे जबलपुर, जो पहले चरण का जो चुनाव था उसमें मैं चुनाव प्रचार में गया था, उसके बाद दूसरे चरण में आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इसके अलावा सिंगरौली सीधी क्योंकि पहले चरण में था वहाँ भी मैं गया था चुनाव प्रचार, दूसरे चरण में शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ आज मैं। तो क्या आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का और क्या उम्मीदें नजर आ रही कांग्रेस की? देखिए मैं 2014 का चुनाव भी आप सबने देखा है, उस समय मोदी लहर में जो चुनाव देखा आपने, आज 2019 के चुनाव में मोदी लहर गायब है एकदम, और पूरे जहाँ तीनों राज्यों में चुनाव हुआ, हिंदी राज्यों में जहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, कर्नाटक पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया पंजाब का, इस तरह से एक बदलाव की लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस झूठे लोगों की पार्टी है और कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है झूठे लोगों की पार्टी है, तो आखिर जो आम जनता है वो क्या समझा है, सही और सच्ची पार्टी कौन है? देखिए कांग्रेस पार्टी के जितने वादे हैं वो सारे वादों को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। इसके पहले ऋण माफी को भी माफ किया, लेकिन भाजपा का ये 5 साल जो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसमें एक भी वादे पूरे नहीं हुए, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें झूठा कौन है सच्चा कौन है। हालांकि फैसला 23 तारीख को जनता करने जा रही है और फैसला जो जनता का आएगा वो सच्चाई का साथ होगा, न्याय का साथ होगा और भाजपा का साफ पूरा सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी अब धर्म और राष्ट्रवाद की ही बात कर रही है, उसका कारण यही है कि 5 साल में उन्होंने ना युवाओं के लिए किया, ना किसानों के लिए, ना व्यापारियों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया उन्होंने पूरा। और चूंकि किसानों को ऋण माफी का सबसे पहला काम था वादा मोदी जी का, तो ऋण माफी भी नहीं हुई, किसानों का समर्थन भी नहीं बढ़ा, तो सारे लोग धोखा खाए। अब इनके पास 5 साल चूंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए राष्ट्रवाद और भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, इस तरह की बातों को लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी और राहुल दोनों ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आम जनता किस पे विश्वास करे और क्यों? माननीय राहुल गांधी अभी किसी पद पे नहीं है, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल काम कर चुके हैं और सब तरफ से सरकार नाकाम रही है, तो इस तरह से सबके नजर राहुल गांधी के ऊपर है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ये तो ऋण माफी उन्होंने किया, सबसे बड़ा लोगों में विश्वास गया। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि गरीब परिवार को 72,000 रुपये साल, ये कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से कांग्रेस से
जुड़े अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है, इसलिए सरकार जनता जो है राहुल गांधी पर विश्वास कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें या अन्य बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें, ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, तो आखिर क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है उनके पास जो सरकार गिरा देंगे? देखिए, इनका सुपड़ा साहब है, मैंने कहा इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रह गया है। इनके कार्यकर्ता हताश हैं, इनके कार्यकर्ता हताश इसलिए है कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज सारे युवा देख रहे हैं आप, कांग्रेस के साथ में व्यापारी किसान कांग्रेस के साथ में, ये अपने जो कार्यकर्ता हैं जो हताश हो गए, उनको एक इनका कुल मिला के रणनीति है कि कांग्रेस का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए एक लॉलीपॉप कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि इस चुनाव के बाद सरकार जो है बदलने आ रही है। तो इससे उनके कार्यकर्ताओं को कुल मिला के उत्साहवर्धन का ये फिर रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जब आपने देखा अभी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और सरकार का शक्ति प्रदर्शन हुआ, तीनों में पिट गए लोग। जो पार्टी इतिहास में पहली पार्टी के अपना उपाध्यक्ष नहीं बना पाए, तो जो उपाध्यक्ष नहीं बना पाए अपना विधानसभा में, वो सरकार बनाने का दावा कर रहा था, ये हास्यास्पद है। नहीं, एक बात ये भी उठती है कि आपकी जो सरकार बनी है प्रदेश में कांग्रेस की, ये लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने आपको बनाया, फिर बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। रणनीति है, उनके कार्यकर्ता हताश हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए रणनीति के तहत ही कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि तीनों बार पिट गए हैं, कांग्रेस के पास 121 विधायक है, इसलिए सरकार गिराना कोई हंसी खेल नहीं है। 7 विधायकों का अंतर 7 विधायकों का ये भारतीय जनता पार्टी कभी पूरा नहीं कर सकती। किसान कर्ज माफी को लेकर भी बीजेपी कह रही है कि कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, और अब जो है एक बात जरूर है कि अब फिर से आप लोग कर्जा माफ करने जा रहे हैं। ये काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे किसानों में कि आपका कर्जा माफ नहीं होगा। अभी तो आप चुनाव आयोग ने भी बोल दिया कि जहां जहां चुनाव हो गया वहां किसान कर्ज माफी काम फिर से शुरू हो जाएगा। ये सरकार हमारे पक्ष में गई है, और ये पार्टी जो भ्रम फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। इसके पहले 50,000 का कर्जा माफ करने कहा था, उनका नारा था भाजपा कहना साहब हर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। मोदी जी का भाषण मेरे पास अभी है, प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहला काम ऋण माफी का करूंगा, लेकिन आप ये देखिए 5 साल लेकर ऋण माफी नहीं हुई। इन इतिहास में कभी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, ये दूसरी बार कर्जा माफ कर, इसके पहले कर्नाटक पंजाब में कर्जा माफ हो चुका है, पूरे देश में किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हो, मामले की रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो इस तरह से जिन्हों कभी माफ नहीं किया वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टाटा बिरला अंबानी यहाँ तक बाबा रामदेव का 10 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, तो इन्होंने किसानों का कर्जा कभी माफ नहीं किया, वो किसानों को बलगला ले, ये रणनीति उनकी कुल मिला झूठ बोल के। एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में जो है प्रदीप जायसवाल किन किन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जा रहे हैं और उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से दोबारा प्रचार करेंगे? 4 चरणों का चुनाव है, दूसरा चरण है जहाँ पे पार्टी कहेगी, है ना, उसके तहत मैं हर जगह चुनाव प्रचार में जाऊंगा। सबसे बड़ी जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा ला लिया, राष्ट्रवाद क्या है, जिन्होंने देश की आजादी के पहले कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकाली, तिरंगा हाथ नहीं लगाया, वो तिरंगा यात्रा निकालता, ये राष्ट्रवाद है क्या, दिखावे की राजनीति है ना। हाँ, तिरंगा हाथ नहीं लगाया कभी उन्होंने, और जिन्होंने कभी भारत माता की जय नहीं कहा वो आज भाषण शुरू होने के पहले भारत माता की जय बोलते हैं, तो ये दिखावा ये राष्ट्रवाद नहीं है। अभी 44 सैनिक मारे गए हमारे, प्रधानमंत्री को तत्काल खबर लग गई कि पुलवामा में 54 सैनिक मारे गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रैली तीनों रैली कंप्लीट करने के बाद फिर सैनिकों को देखने गए। वही कांग्रेस पार्टी देखो आप, कांग्रेस पार्टी ने तत्काल अपनी रैली मीटिंग कैंसिल कर दी, इतना बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान का, तो ये राष्ट्रवाद थोड़ी है कि आप पूरी रैली करके और ये पार्टी चला रहे हो कि देश चला रहे हो। ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं कुल मिला के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है, और ये देश नहीं चला रहे, पार्टी चला रहे। तो ये थे खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिनका धुआंधार चुनाव प्रचार थमने तक जारी रहेगा। कैमरामैन अरविंद द्विवेदी के साथ निर्मल सिंह बैस, सागर।